सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। भाजपा के कार्यालय में हूँ मैं कुमार मधुकर और मेरी बात होगी सतेंद्र सिंह जी से जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। साथ के साथ कॉलोनी गांव और भी कई काम इनके पास है तो हम लोग जानना चाहेंगे, जनता जानना चाहती है, शहर के लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार शहर में जो चुनाव हो रहा है कांग्रेस की क्या स्थिति है, भाजपा की क्या स्थिति है। साथ के साथ यह भी जानेंगे कि जिस दिन चुनाव है 1 जून को उस दिन हरमंदर साहब पर कार्रवाई हुई थी उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि ये एक संयोग है या क्या है। श्री हरमंदर साहब पर 1 जून को ही कार्रवाई हुई थी उस टाइम, क्या इसका भी असर? देखिए भाजपा याद दिलाना एक इतिहास ही रहता है और 1984 का जो साल है वो मुझे लगता है भी कम से कम हम लोग तो नहीं भूल पाते। हम लोग उस समय 14-15 साल के थे। दूसरा जो अभी जी वी एस सिंधु की किताब भी आई है, सिंधु साहब की भी जो राह के भी रहे हैं, अधिकारी भी रहे, सब कुछ रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस की परत दर परत उठा दी। क्योंकि 1975 में जब यहाँ पे इमरजेंसी लगी, पूरे देश में इमरजेंसी लगी है, इमरजेंसी के कारण कही थे चलो उसमें जाना नहीं चाहता, आपकी बात भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इंदिरा गांधी ने लगाई थी। तो उसमें जब इमरजेंसी को तोड़ने के लिए पंजाब के लोगों ने और ख़ासकर सिखों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया था, बहुत लोग अंदर गए थे, बहुत सारा कुछ हुआ था, तो उसके कारण इमरजेंसी 21 महीने के बाद टूटी। तो जब टूटने के बाद कांग्रेस को ये लगा भी हम जब तक सिखों में वो पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते, सिखों को तोड़ेंगे नहीं तब तक हम पूरे देश में और पंजाब के सरोज नॉर्दर्न रीजन में हम काम नहीं करेंगे। और कहीं हमें मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं टोटल काम पाकिस्तान के लिए भी करती है। क्योंकि एक नारा हमने 1900 पुराने पे बुजुर्ग बताते हैं 1947 के बाद एक नारा चलता रहा भी हंस के लेंगे लड़की लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। उस नारे को भी चार्ज करते हुए जो उन्होंने जी वी एस सिद्धू ने लिखा भी राह के लोगों का भी इवन हुआ भी इसको हवा देनी है और हवा देने में जब पंजाब के कई लोगों को मिसयूज़ किया, बड़ी लंबी कहानी है, उनको मिसयूज़ करते हुए 1984 की भी घटना कांग्रेस के द्वारा रचित गई थी और अटैक हुआ, सब कुछ हुआ, उसमें हमने देखा कितना नुकसान हुआ और उसका नुकसान की भरपाई आज तक नहीं हुई, वो भी हम कर रहे हैं। तो उन्होंने वो कुदरती 1 जून 1984 को हुआ था, गोल्डन टेम्पल पे अटैक हुआ था और पूरा पंजाब तहस नहस कर दिया, हमारी पंजाबियत खत्म हुई थी और बड़ा कुछ इंदिरा गांधी जो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बड़ा कुछ किया था जो आज भी हमें दर्द है। और सबसे बड़ा दर्द ये है कि आप पार्टी के आप अगर 2014 के बयान देखो HS फुल्का जिन्होंने आप केस किए थे 1984 विक्टर के खिलाफ, उन्होंने बड़ा केस लड़के दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक गए, उन्होंने न्याय दिलाने की कोशिश की, उन्होंने यहाँ तक कहा भी थे अगर आप पार्टी कभी कांग्रेस के साथ जाती है तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा और उन्होंने छोड़ भी दी। और जो आप पार्टी जो पंजाब में भी कांग्रेस को सिखों के हुए तरफ कर वो तंग बोलती रही, सब कुछ बोलती रही, आज वो दोनों इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं तो आज की डेट में क्या कहें भी, आज चंडीगढ़ में भी फार्मूला अलग होता है, क्या सिख कांग्रेस को वोट देंगे, क्या सिख अब आप पार्टी को वोट देंगे, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है और मुझे लगता है सिख नहीं वोट देने वाले कांग्रेस को। सर एक बहुत ही कम शब्दों में हरमंदर साहब में जो हुआ था 1 जून को वो था क्या, बहुत छोटे में अगर बता दें। देखिए वहाँ पे हरमंदर साहब जो हमें एक बहुत पवित्र सिखों का सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान है और सिखों का क्या पूरे पंजाबियों का, पूरे भारतीयों का और पूरे देश में भी जी, तो हम सब लोग जाते हैं वहाँ पे, मानते हैं और सबकी श्रद्धा है, ग्रंथ साहब पे श्रद्धा है। तो वहाँ पर अटैक हुआ था, उससे पहले अब्दाली ने किया था, उसको अटैक गवर्नमेंट के द्वारा करवाया गया था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा कराया गया था और उसमें उन्होंने बहाना ये बनाया था भी यहाँ पे अंदर आतंकवादी बैठे हुए, हमने उनको निकाला और वो जो लोग भी बैठे हुए थे वो भी अपने क्रिएटेड किए हुए थे, वो भी आपको सब स्टोरीज पता, उसके ऊपर मैं जाना भी नहीं चाहता सब कुछ, परंतु हमारे जो लोग वहाँ पे मारे गए, जो वहाँ पे कई घटनाएं हुई आज पंजाब में, उनको लेके कई तरह की धारणाएं हैं, तो उसका एक नुकसान हुआ। और कांग्रेस ने क्योंकि राज किया, कांग्रेस ने किताबें भी बदलने की कोशिश की, कांग्रेस ने अपनी चीज़ें भी डाली हुई, तो उसने बहुत चीज़ें खराब किया, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, एजुकेशन लेवल पे भी, उसका हमें बहुत ज़्यादा खमियाजा पंजाब को भुगतना पड़ा
और जो हमारी रेपुटेशन थी सिखों की, उस सिखों की रेपुटेशन को भी कहीं कांग्रेस ने हमें दर्द दिया है। हमारा जो रुतबा होता था पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में, कांग्रेस की नीतियों के कारण हमारा रुतबा भी डाउन आया था। भगवान की कृपा से मोदी जी के आने के बाद 2014 में जो कांग्रेस के टाइटलर को जो छोट दिया गया था, जो जिसने पूरा 1983 के जब इंदिरा गांधी की डेथ के बाद सज्जन कुमार के जो जिनके नाम आए थे उनको पूरी तरह छोड़ दिया गया था, और कितने सिखों का कत्लेआम हुआ था, उनको भी मोदी जी ने आके केस चलाए, उनके ऊपर सजा हुई। फिर उसके अलावा अफगानिस्तान में जो ग्रंथ साहब के साथ हमारे अपमान किया गया वो किया, फिर सीए लागू करने के बाद जो हमारे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में जो हिंदू और सिख थे रह रहे जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उनका एक आने का भारत में रास्ता खोल दिया। तो एक जो काम किया मोदी जी ने, वाकई ऐसे काम किया जिससे मुझे लगता है भी सिखों के जो दर्द थे उनमें मरहम लगाने का काम वास्तव में अगर किसी ने किया तो वो मोदी जी ने। सिख मतदाताओं को जो बात आपने कहा और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कुछ अन्य पार्टियों की ओर से कि सिख मतदाता जो है कांग्रेस के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ, उनसे क्या अपील करेंगे? देखिए, क्योंकि आपने बहुत बातें बताई हैं। देखिए, मैंने सबको कह रहा हूँ कि सच्चाई से अवगत होइए, सच्चाई पढ़िए, सच्चाई जानिए, जो लोग बता रहे हैं उन पर विश्वास ना कीजिए, अपने आंखों से देखिए। और वास्तव में जो काम हुए 2010 के बाद, क्या किसी ने सोचा था कि दिल्ली में मोदी जी ग्रंथ साहब के आगे दर्शन भी कर रहे हैं, फिर उनके साथ जहाँ पे शहीदी दी गई थी गुरु जी को, वहाँ पे जाके सबको बुला के वहाँ पे पाठ भी करवाते हैं, मोदी जी आप करवाते हैं, ये कभी किसी ने सोचा था? उसके अलावा आप जितने भी मोदी जी के कार्यक्रम देखो, अगर कोई सिख पंथ से रिलेटेड होता तो वो पूरी की पूरी इज्जत भी करते, मान भी देते हैं। और आप भी, सबसे बड़ी बात है 1975 में जब इमरजेंसी लगी है और उन्होंने तो इमरजेंसी में काम भी किया, मोदी जी उस समय की पुराने चित्र मिल जाते हैं, उस समय उन्होंने पगड़ी भी धारण की हुई है, सिख की पगड़ी भी धारण करके वो काम किया हुआ। तो इस कारण से उनकी जो आस्था है सिख पंथ में आस्था का कारण ये नहीं है अभी कोई डर क्या कुछ है, एक श्रद्धा भाव से है, क्योंकि जो गुरुओं ने जो इस कंट्री के लिए, इस पंजाब के लिए, इस खित्ते के लिए जो कंट्रीब्यूशन की है उसको कोई नहीं भूलता, कोई हिंदू नहीं भूलता, कोई सिख नहीं भूलता, और कोई भी यहाँ पे नागरिक है वो भूलता नहीं। तो उसके लिए सब हम लोग कर्जदार हैं, तो हम इस कारण से मोदी जी भी और बीजेपी के लोग भी इस चीज को बड़ी भांति मानते हैं। सर, एक और चीज ध्यान में आ रहा है कि जो करतारपुर साहब हैं उनको लेकर के भी एक बयान आया था कि अगर बांग्लादेश को तोड़ा तो उस टाइम करतारपुर साहब को क्यों नहीं हम देश में लेकर के आए, ये मोदी जी ने उठाया है। उस समय जो आप अगर उस समय थोड़ा इतिहास में जाएंगे, उसमें 1947 के बाद कई ऐसे इलाके थे जो टोटली पंजाब में रहने वाले थे, कुछ कश्मीर के इलाके थे जो पूरे देश में रहने वाले थे, परंतु जो नेहरू जी की जो नीति थी, जो डिवाइड की डिवीजन की नीति में थे, उसमें बहुत गड़बड़े हुए। नहीं तो करतारपुर का जो रंग वो हमारे पास रह सकता था, इस तरह से पठानकोट का ये एरिया हमारे पास रह सकता था, परंतु उस समय का जो गलतियाँ की हुई हमें भुगतनी पड़ेगी। अब लांगा भी जो है मोदी जी ने खोला और अब हम दर्शन भी कर सकते, खुले दर्शन भी हो रहे हैं। तो कहाँ देख रहे हैं भाजपा को आज के दिन? आज के दिन हम भाजपा को ये देख रहे हैं भी, अगर सिख मानसिकता के हिसाब से देखें तो मुझे लग रहा है भी भाजपा के बहुत करीब आ रहे हैं। और अगली जो मुझे लग रहा भी जो इस इलेक्शन में उसका आपको रिजल्ट भी नजर आएगा। दूसरा, तो चंडीगढ़ में हम जो माहौल देख रहे हैं, चाहे कॉलोनियों का हो चाहे गाँव का हो, हमें तो ये लग रहा है बड़ा पॉजिटिव माहौल है। और क्योंकि जो अभी जो इस समय जाके प्रत्याशी हैं संजय टंडन जी, उनका एक प्लस पॉइंट ये है भी वो लोकल है, उन्होंने सबके घर के काम के लोगों के घर घर गए हैं, काम भी किए हुए हैं, और किसी को पुलिस प्रशासन से जरूरत पड़ती है, मदद की जरूरत पड़ती है वो भी करते हैं, कोरोना काल में भी उन्होंने काम किए हुए हैं, तो यहाँ पे एक उनका आधार भी है। दूसरा, मनीष तिवारी जी, मैंने तो जब से देखे हैं चंडीगढ़ में, जब से इनके मैंने तो ज़्यादा मैंने सुना नहीं था, पर भाषण के पढ़ता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे भाषण में उनके एक बू ये आती भी, जैसे वो किसी और कहीं जगह से आए हों, चाहे उनका जो हमने जब बयान पढ़ते हैं गीता के ऊपर जो उन्होंने बोला है, जब किसी ने कहा भी सुषमा स्वराज ने शायद कहा था गीता राष्ट्रीय ग्रंथ उनकी, तो इन्होंने पोज किया
370 जब टूटने वाली थी, जब तो उससे पहले इन्होंने 370 रहने चाहिए, फिर इन्होंने यहाँ तक कहा भी 200 रहने चाहिए, उसकी वीडियो भी अवेलेबल है। फिर तीसरा जब इन्होंने कांग्रेस के लोगों ने इनसे पूछा, जब पत्रकारों ने पूछा भी आप आनंदपुर साहब से लड़ रहे, मनीषवाड़ी जी से भी आप आनंदपुर साहब के एमपी हैं तो आप तो चंडीगढ़ में जाना चाहते, इन्होंने कहा था मैं नहीं जा कभी भी नहीं जाऊँगा, कहीं भी नहीं जाऊँगा, मैं तो आनंदपुर साहब से लड़ूंगा। उससे पहले भी जब ये क्या कहते लुधियाना से लड़े, लुधियाना से के बाद दूसरी बार 2014 के बाद 2000 लड़ने का जब मौका मिला 19 में था, तो 2014 में लड़ने का मौका मिला तो इन्होंने कहा मैं बीमार हूँ मैं नहीं लड़ सकता, तो उन्होंने लुधियाना में भी दोबारा लड़ने से मना कर दिया। उसके बाद यहाँ पे 2000 उसके बाद आनंदपुर साहब में लड़े, आनंदपुर साहब के जो मेरे को लगता है जो गुरु की नगरी छोड़ सकता है जितना झूठ बोलता है कि मैं यहीं पर रहूँगा गुरु, इवन आप ललन टॉप एक उन्होंने इंटरव्यू की थी वो आप नेट पे अवेलेबल है अगर आप देखोगे तो उसमें ये कह रहा है मैं गुरु नगरी में रहता हूँ मैं वहाँ पे क्यों छोड़ूंगा, मैं आनंदपुर साहब गुरु नगरी के पास सब जानते हैं तो मैं नहीं वो छोड़ूंगा, वो नगरी को छोड़ के आप आ रहे हो वहाँ के लोगों से झूठ बोल रहे हो तो चंडीगढ़ में आप क्या सब बोलोगे। मुझे तो वास्तव में उनका जो भाषण भी है वो भी है वो प्रेरित चिंता होगा काम, वैसे भाजपा की दृष्टि से हमारे रामवीर भट्टी के पास है परंतु हम इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है भी इस समय जो हमारी स्थिति है कॉलोनियों में काफ़ी अच्छी है और गांव में भी, क्योंकि यहाँ पे अगर चंडीगढ़ के गांव देखा जाए तो आपको कुल मिला के यहाँ पे यूपी बिहार के लोगों की काफ़ी वहाँ पे तादाद है, क्योंकि खेती वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है तो थोड़ी सी जगह में खेती है और तकरीबन जो हमारे जो जमींदार भी है उन्होंने पंजाब में या हिमाचल में या हरियाणा में उनकी ज़मीनें हैं और सब कुछ रेजिडेंस यहीं पे है तो उन्होंने अपने घर 90% वो रेंट पे आउट किए हो, जैसे आपने किसी के पास 50 कमरे किसी के पास 100 कमरे तो रहने वाले वहाँ पे यूपी बिहार के या हिमाचल के लोग हैं जो किराया देते हैं और रहते हैं। हमने कुछ कांग्रेस के लोगों से सुना है कि कांग्रेस कॉलोनी में भी और गांव में भी बहुत मजबूत है, आधार क्या है इसका? तो वो कांग्रेस ग्रास है तो ग्रास का कोई आधार नहीं होता, जो कांग्रेस ग्रास को सभी लोगों ने ख़त्म किया तो वो ख़त्म भी है। दूसरा पता क्या चक्कर है, वो एक अफवाह फैला रहे हैं, अभी गांव में कह देते हैं भी हम कॉलोनियों में वीक है, अच्छा कॉलोनियों में कह देंगे हम शहर में वीक है, तो इस तरह से शहर में ये उल्टा कह रहे हैं क्योंकि उनका एक काम है अफवाह फैलाने का और जबकि सच्चाई कुछ नहीं है। और मेरे साथ दोनों टंडन जी भी बैठे हैं और अपने साथी भी बैठे हैं, दोनों सब काम कर रहे हैं और मिलके काम कर रहे हैं और लग रहा है भी हमारा बहुत अच्छा काम है हमारी दृष्टि से। तो जिस तरह से वो आधार बताते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल करके जो चुनाव लड़ रही है इसलिए चंडीगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत है, लेकिन आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी कल आई हुई थी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके मंच पर आपने देखा होगा कि बवाल मचा किस तरह से धक्कम धुकी हुई, पवन बंसल के साथ भी धक्कम धुकी हुई, अब किस लिए हुई क्यों हुई, आपने ये भी देखा होगा कि ऐसे करके भी उंगली उठाई गई है आपस में, वो क्या है? देखो राजनीति में एक और एक दो नहीं होता, क्योंकि आपके क्वेश्चन के दो पार्ट है, एक और एक कभी दो नहीं होते। जैसे दो पार्टियां लड़ रही हैं, आप मान लो उनके 1000 वोट है, इनके भी 1000 वोट है तो 2000 वोट नहीं होते, वो वोट हमेशा शिफ्ट होते हैं। उन्होंने वोट शिफ्ट करने क्योंकि कांग्रेस के जो वोट हैं वो क्या आप पार्टी वाले लोग कांग्रेस को डालेंगे कि नहीं डालेंगे, फिर कांग्रेस के लोग आप पार्टी के साथ चलेंगे नहीं चलेंगे, तो ये बहुत एक वहाँ पे आपस में बड़ा मिच चल रहा है। इस समय तो पवन बंसल जी को, क्योंकि हमेशा ही जो मेरा मानना है जब भी पवन बंसल यहाँ पे इलेक्शन लड़े हैं तो मनीष तिवाड़ी और उनके जो साथियों ने या उनकी जो टीम जहाँ पे लोग थे उन्होंने हमेशा पवन बंसल का विरोध किया, तो इस कारण से कांग्रेस में इस समय कोई एकता नहीं है, कोई आपस में एकता नहीं है, इस कारण से वो लोग टोटली का टोटली मुझे लगता भी वो भाजपा को ही लोग देख रहे हैं और हमें उसका फायदा भी मिल रहा है। फिर एक बार मैं कॉलोनी और गांव की बात करें, क्योंकि आपने कहा कि बिहार और यूपी के लोग कॉलोनियों में ज्यादा रह रहे हैं, हिमाचल के भी रह रहे हैं, योगी जी आए थे, योगी जी का कितना असर होगा इन मतदाताओं पर जो इन कॉलोनियों में गांवों में जो लोग? देखो इस बार जो योगी जी की रैली हुई है जो हुई है और बड़ी अच्छी रैली हुई है और इतनी 42 डिग्री टेम्परेचर था और वर्किंग डे था, सोमवार था, समय सुबह 12 बजे का था और आप देखो वर्किंग डे और वो भी पहला वर्किंग डे सोमवार, और आपको पता ही है अभी जितने भी यहाँ पे अपने जो यूपी बिहार के लोग हैं जो अगर फैक्ट्री में काम करते हैं अगर संडे की छुट्टी होती है अगर सोमवार को छुट्टी करते हैं उनके 2 दिन के पैसे कटते हैं,
वो पैसों की परवाह ना करते हुए भी वो उस रैली में रहे, सब कुछ कहे। और आपने, मैंने उस दिन देखा, क्योंकि मैं रैली के लिए घूम रहा था, तो बाहर लेडीज जो थी वो हाथ जोड़ के खड़ी हुई थी, उनको ऐसे लग रहा था जैसे कोई संत उनके बीच में आ गया हो। उसके अलावा जो वहाँ का जो लोया और धनास से जो लोग थे वो पूरे के पूरे झुंड बना के आ रहे थे। आपने देखा ये रश पड़ा था। फिर उस समय कुदरती मेरे को भी कुछ लोगों से बात करने का मौका मिला, मैंने वीडियो भी बनाई उनकी। तो वो लोग अपना दिहाड़ी छोड़ के सब कुछ करते हुए वो जोगी जी के दर्शन करने आए हुए थे। और इससे हमें लगता है अभी भगवान की कृपा से बीजेपी बहुत मार्जिन से जीतने वाली। जिस तरह से धक्कम धुकी हुई है मंच को लेकर के, क्या इसका भी कुछ मैसेज जाएगा जनता के बीच में, संकेत जाएगा जो कांग्रेस के बीच में, आम आदमी पार्टी के बीच में? तो उनके मन मिले नहीं है, क्योंकि मनीष तिवाड़ी ने जो जो मैंने आपको जो किया हुआ है वो पवन बंसल जी को पता है। आज वो मनीष तिवाड़ी जी चाहते हैं कि वो मेरे साथ दें, वो ऐसा होने वाला नहीं। और हमने स्टेज पे भी देखा, जो हमने फोटो देखी, फोटो से जो नजर आ रहा है, फोटो में यही नजर आ रहा है भी वो इतना कुछ वो कंफर्ट जोन में नहीं है। और वहाँ पे दो तीन काउंसलों के द्वारा धक्का मुक्की भी हुई है, फिर पवन बंसल जी को पीछे भी धकेला गया है। और इतने बड़े केंद्रीय मंत्री रहे हूँ, सब कुछ रहा, वो शहर को रिप्रेजेंट किया, और उनके साथ ऐसा होता है। तो एज ए हमारे को उनके बड़े होने के कारण कि वो 28 सेक्टर में रहते हैं, तो हमें दुख तो होता ही है। क्या इसका जनता पर कोई असर जाएगा ये जो हुआ है कल? सर, जनता के मंच पर, जनता के बीच में तो पूरा असर जाने वाला, क्योंकि प्रियंका गांधी, आप अगर 27 सेक्टर के मैदान में प्रियंका गांधी जो सबसे बड़ी लीडर हैं, इनके दो ही लीडर हैं आज की डेट में, या प्रियंका है या राहुल है, तो दोनों के लिए अगर आप 27 सेक्टर में, क्योंकि मैं वहाँ पे काउंसलर भी रहा हूँ, अगर वहाँ पे आप कार्यक्रम कर रहे हैं और आपका स्टेज भी आपने साइज भी थोड़ा बहुत छोटा किया है, तो मुझे लगता भी आप तो पहले दिन ही 27 में करके तो हार तो आपने स्वीकार कर ही लिया, क्योंकि आपको लगा ही नहीं भी हो के ही कर सकते हैं। तो 27 में है, और 27 बहुत बढ़िया जगह है, जिसमें आप कुर्सियाँ लगा के आप कर ले तो थोड़ी सी जगह में आपका प्रोग्राम ऐसे लगता है बहुत बढ़िया हुआ। और उसके बावजूद भी हमें तो कई जगह कुर्सियाँ खाली की वहाँ पे मिले, और उनका जो भाषण भी है कोई ज़्यादा जोरदार नहीं था, परंतु पवन बंसल जी को जिस हिसाब से धक्का मारा है वो किया, वो हमने सब जगह देखा है। तो हमें लगता भी हमारे सेक्टर के होने के कारण ये चीज़ नहीं होनी। तो अभी आप सुन रहे थे सतिंदर सिंह जी को, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है और कई प्रभार हैं इनके पास। और जिस तरह से हरमिंदर साहब को लेकर के इन्होंने कहा, कॉलोनियों को लेकर के, हाँ पवन बंसल के साथ जो घटना घटी उसके बारे में भी कहा, वाकई ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका, शुक्रिया। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।